कुछ जयदेव जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों एक समाज विशेष का क्षत्रिय समाज के लिए कितना उनमें जहर गोला जा रहा है और उनमें कितना जहर है वो आप सभी देख सकते हो। तो भाइयों आप सभी देखिए कि ये सीकर विश्वविद्यालय है महाविद्यालय, इसका जो गेट बनवाया था श्री रामेश्वर सिंह शेखावत ने बनवाया था और उनका नाम उसमें लिख दिया गया। उस पर एक समाज विशेष को जाट महासभा को इतनी प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने वहाँ पर धरना दे दिया। वहाँ पर धरना ऐसा दिया कि दूध पिलाकर वहाँ के प्रशासन ने उनसे ये भूख हड़ताल तोड़वाई। और धरने में क्या बोला गया कि जो जाति विशेष के नाम से जो टैग दिया गया है गेट पर वो ख़त्म किया जाए, वो शेखावत नाम हटाया जाए। तो भाइयों शेखावत एक कलान है, शेखावत किसी क्षत्रिय कौम का नाम नहीं है, वहाँ पर एक जगह भी क्षत्रिय या राजपूत नहीं लिखा गया था। फिर जाट महासभा को प्रॉब्लम क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में हर जगह ये क्षत्रिय समाज का इतना विरोध कर रही है कि पूछिए ही मत। इन्होंने बाकी लोगों को तो तंग करके रखा है भाई, क्षत्रिय समाज के जो अन्नदाता हैं जिन्होंने सीकर महाविद्यालय के लिए जमीन दान की गेट बनवाया जे उनका भी अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, जे सीकर शेखावत क्षत्रियों की रियासत थी, क्षत्रिय समाज का कहीं नाम आ जाता है तो वहाँ पर विरोध करना शुरू हो जाते हैं। उसे पाटिका कोर्स नाम को हटा दिया गया है। यह प्रशासन की भी कमजोरी है, जब प्रशासन मुर्दा प्रशासन है, इसकी गांड में बिल्कुल भी दम नहीं है, इसमें दम है ही नहीं। कोई थोड़ा सा विरोध करे तो जो हटा देती है, फटी जाती है, जी होती है प्रशासन। तो भाइयों धीरे धीरे हर जगह क्षत्रियों का नाम मिटा दिया जाएगा इस देश से, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो बीजेपी आरएसएस के अंधभक्त हैं और बाकी जो बीजेपी आरएसएस के दूसरे कौम के लोग हैं वो क्षत्रियों का इतिहास धीरे 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 पूरी तरह एक दिन ख़त्म कर जाएंगे।